पाकिस्तान में मैंने आना नहीं था, जबरदस्ती मुझे भेज दिया गया, इसकी क्या अरबी होगी? अनिमल का तितिश पाकिस्तान लाजिम दिसुन। लोग आपकी तस्वीर पे बहुत एतराजात उठाते हैं, टैटूज बने हुए हैं, कितने टैटूज बनवाए हुए हैं आपने? 8। मैं चाहता हूँ आप भी मुझे रोज दें और मैं भी आपको रोज। हम इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर नाजमाबाद जनाब हाजिम मंगवार साहब के साथ मौजूद हैं। मैं चूंकि इनका फैन हूं, मैं इतनी दूर से लेने के लिए आया हूं इंटरव्यू। इनको देख के तो बंदे को कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इतने हसीन हैंडसम, कपड़े भी इतने प्यारे पहने हुए हैं। अंग्रेज तबीयत के बंदे, जिंदगी सारी आप अमरीका में रहे, बाहर पढ़े, बाहर की सारी एजुकेशन, क्या वहाँ से डिपोर्ट हो गया है या क्या किसी ने कहा कि यार जाओ तुम्हें कोई सजा दे रहे हैं पाकिस्तान चले जाओ? नहीं नहीं, बिल्कुल सजा नहीं है, खुद सोचा था यहाँ आने का। 2018 में आपने मुकाबले का इम्तिहान पास किया, उसके बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू लगे, फिर अब असिस्टेंट कमिश्नर अभी नाजमाबाद लगे। इंटरनेट तो भरा पड़ा हुआ है आपसे। कितने साल के थे जब आप पाकिस्तान से कूच कर गए? 6 दिन का था, चला गया था न्यूयॉर्क। आपके लिए तो ये भी नहीं कहा जा सकता है ना कि आला तालीम के लिए आप अमेरिका गए। आपके वालिद और वालिदा दोनों पाकिस्तान से ही हैं? मेरा डैड पाकिस्तान से, मेरी माँ इराकी है। क्या बात है, अरबी तो आती होगी हम? बिल्कुल आती है। पाकिस्तान में मैंने आना नहीं था, जबरदस्ती मुझे भेज दिया गया, इसकी क्या अरबी होगी? अनिमल का तितिश पाकिस्तान लाजिम दिसुन। मुझे इस मुल्क से बहुत प्यार है, मैं यहीं पे रहूंगा। आनी हुआया है पाकिस्तान, यानी कहना है। अमेरिका में आपने तालीम हासिल की, फिर आप बरतानिया चले गए, डिग्री वहाँ से कंप्लीट की, फिर आप पाकिस्तान आ गए, तो क्या आपका तो पाकिस्तान में इतना वक्त भी नहीं गुजरा, फिर क्यों ये हुब्बुल वतनी और फिर ये क्या सारा कुछ? मुझे कल्चरल शॉक लगा था जब मैं। कौन सा शौक लगा था? कल्चरल शॉक। यार ये कल्चर का शौक है, आज मुझे पहली दफा पता चला कल्चरल शॉक भी होता है। जब यहाँ आता था देखता था कि लोग बस में धक्के खा रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, गर्मी है, खाने को नहीं है, फिर कहीं ना कहीं दिमाग में लगा कि क्या कर रहे हो वहाँ तुम, वहाँ तुम्हारी जरूरत ही नहीं, वहाँ काफी बैठे हुए, यहाँ आ जाओ, कुछ कर रहे हैं तो यहाँ करो, पाकिस्तान में करो। मैं जब इंटरव्यू के लिए आया मैंने देखा लोग आपसे बात कर रहे थे, बड़ा फ्रेंडली माहौल है आपका। अफसरान होते हैं उनके पास तो एक बड़ा दबदबा होता है, रोब होता है, लोग डरते हैं उनसे। जिसको आप डराते हो उसके लिए आप सर्व नहीं कर सकते। वो जो गैप है विद द पब्लिक आपको कम करना है, कि पब्लिक ओपनली फील करे, कंफर्टेबल फील करे, आपको अपने मसले बता सके। हमारी कौम के बारे में लोग ये कहते हैं कि यार ये तो डंडे की कौम है, ये तो डंडे से मानती है, बगैर डंडे के आपने प्यार से काम चला लिया। मुझे कभी पब्लिक ने तंग नहीं किया है, क्योंकि मेरी अप्रोच कभी उनको माना समझाने की होती है कि भाई ये गलत है, वार्निंग होती है तरीके के साथ, फिर आप एक्शन लेते हो। जब आप एक्शन लेते हो तो वो कुछ समझ जाती है एक्शन क्यों हुआ है, एजुकेट करते हो आप। यहाँ के कौन कौन से ऐसी मसाइल हैं जो अभी तक आपने देखे और आपको लगता है कि यार ये हल होने वाले हैं? काफी सदियों से इंक्रोचमेंट चल रही थी जिसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक बड़ी बिल्डअप हो रही थी और न्यूसेंस हो रहा था, इंक्रोचमेंट के, प्राइस चेकिंग के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, अब जाके सैनिटेशन के भी। यहाँ काफी जगह निगलेक्टेड है जहाँ कचरा वचरा काफी जमा हुआ है। कुछ उम्र रसीदा खवातीन के साथ आपकी तस्वीर बड़ी वायरल है, वो आपके सर पे हाथ रख रही हैं और आपके कान भी खींच रही हैं, कैसा लगता है? और फिर आप उनके बारे में लिखते भी हैं कि शी इज जस्ट लाइक माय मदर। उनके कुछ मसले थे गलियों के बाहर जो काफी अरसे थे वो तंग थी, तो वो क्लियर करवाए थे, वो दुआ देने आई थी। और जो दूसरे की आप बात कर रहे हैं वो कान नहीं खींच रही थी, वो गले लगा रही थी। रस्ते में मुझे मिली, मैं ऑपरेशन कर रहा था। कौन सा ऑपरेशन? आप डॉक्टर हैं? अच्छा, दूसरा वाला ऑपरेशन, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन। आप स्टाफ के साथ बड़े फ्रेंडली हैं और आपके स्टाफ ने भी बताया है कि वो खाना पहले खाते हैं, आप बाद में खाते हैं। कुछ दिनों के लिए आपने ये रखा हुआ है मीडिया वीडिया की अटेंशन लेने के लिए या हमेशा चलाएंगे इसको ऐसे? आपको हर किसी का कंफर्ट देखना होता है, एज अ बॉस, एज अ लीडर, हर किसी का कंफर्ट देखना होता है। लोग आपकी तस्वीर पे बहुत एतराजात उठाते हैं, कहते हैं यार ये तस्वीर जिस तरह की खींचते हैं ये तो किसी अंग्रेज मुआशरे की तस्वीर है। टैटूज बने हुए हैं, कितने टैटूज बनवाए हुए हैं आपने? 8। दिखाने वाले कितने हैं और ना दिखाने वाले कितने हैं? सब दिखाने वाले हैं। सिंगर भी हैं आप, राइटर भी हैं, कोई एक्टिंग का भी शौक है? नहीं, एक्टिंग बिल्कुल नहीं कर सकता। सिर्फ गाते हैं, बजाते नहीं हैं? नहीं, वोकलिस्ट। तो कुछ गा के सुनाएंगे हमें? आप गाएं और मैं कुछ करूंगा, बजाऊं। परफॉर्मेंस फीस देते हैं? फीस के बगैर नहीं गाते हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये चले, ये थे टैलेंटेड आदमी की होती है। बड़े सिंगर्स दुनिया में जितने भी हैं उनमें से किस बड़े सिंगर के लिए आपने गाने लिखे हैं? निकी मिनाज के लिए लिखा था हाई स्कूल जो पहला था, आरियाना के लिए, मैक्स, जेसन रूलो, जेसी जे। अल्लाह के लिए नहीं लिखा आपने? नहीं। क्यों नहीं लिखा? नसीबो लाल के लिए भी कुछ? उन्होंने मांगा नहीं ना। दिमागी तौर पे कभी भी थक नहीं जाते हैं कि यार गलत तरफ आ गया, सिंगर ही अच्छा था? नहीं, बिल्कुल गलत तरफ नहीं आया हूँ। अगर मेरे यहाँ आने से एक भी आदमी, एक भी हाउस होल्ड, इफ आई कैन जस्ट चेंज वन लाइफ, यू नो, बेहतरी की तरफ, काम हो गया मेरा। आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट सिंगिंग, वो तो कभी भी कर सकता हूँ। फेवरेट ब्रांड कौन सा आपका? अभी तो एट द मोमेंट आई एम लाइकिंग मुगलेयर, टेरी मुगलेयर। इसका तो मैंने नाम, ये कहाँ है? ये नाजमाबाद में है इसकी आउटलेट? कहाँ है? अमेरिकन है। जूते भी बाहर से ही आते हैं आपके? जी। पाकिस्तान से क्या खरीदते हैं आप, आटा, चावल, दाल के अलावा? काफी चीज पाकिस्तान में भी खरीदता हूँ। क्या मिसाल? आटा, दाल। सुबह तैयार होने में कितना टाइम लगाते हैं? 15 मिनट बस।
बाल बाल भी अपने खुद ही बनाते हैं? ओह नहीं, हां इफ यू इंक्लूडिंग बाल, अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आधा घंटा बाल बनाने के लिए, आधा घंटा। फेवरेट बुक कौन सी है आपकी या नॉवल? वुथरिंग हाइट्स, एमिली ब्रॉन्टे की। किसी पाकिस्तानी को भी पढ़ा आपने? हां पढ़ा है, बट दैट्स माय फेवरेट बुक। जिंदगी में कभी मोहब्बत हुई आपको? जी हुई है, एक दफा हुई है, एक दफा से ज्यादा हुई है? एक दफा हुई है। लग रहा है कि हासिल नहीं हुई आपको? गलत लग रहा है। कभी आप सुबह सुबह उठें, आप ना हो तो आप क्या होना चाहेंगे? A fish. मछली? I love to swim, I love to swim and travel around the world, yeah. What's your favorite animal? My favorite animal is a raccoon. इसकी उर्दू क्या होती है? Raccoon की, I don't know. Favorite pet? A dog. है आपके पास? जी दो। मुझे नहीं पता आप गिफ्ट देते हैं नहीं, लेकिन ये देखे हमने ना, ये आप ही के बाग से चुराई है। मैं चाहता हूँ आप भी मुझे रोज दें और मैं भी आपको रोज दूँ। जो आपके हेटर्स हैं उनके लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? आई डोंट हेट माई हेटर्स, आई जस्ट होप आई कैन चेंज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। हर ऑफिसर बुरा नहीं होता, हर ऑफिसर की इंटेंशंस बुरी नहीं होती है। कुछ सच में काम करने आए, जो आए उनको चांस देना चाहिए। आजम मंगवार साहब के साथ ये इंटरव्यू अपनी नोयत का एक मुख्तलिफ इंटरव्यू था। ही इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। जिस तरह अपने स्टाफ से मिलते हैं, जिस तरह मेहमानों को ट्रीट करते हैं, जिस तरह उन माओं को मिलते हैं जिनकी तस्वीर आपने देखी, लेट्स होप बिलीव एंड प्रे कि इन जैसे अफसरान और ज्यादा पाकिस्तान में आए ताकि ये मुल्क और ज्यादा तरक्की करे। आई रियली फाउंड हिम वेरी वेरी मॉडस्ट पर्सन। तो इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आने वाले दिन, महीने, साल इस वतन अजीज़ और हम सब के लिए बेहतर हों। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।